डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में एट्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर वन को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर वन वंस अपॉन अ टाइम ए गर्ल कॉल्ड एमिलिया सेव्ड सम मनी टू बाई एन एरोप्लेन एक बहुत एक टाइम पहले की बात है कि एक गर्ल थी जिसका नाम था एमिलिया सेव सम मनी टू बाई एन एरोप्लेन वह एक एयरप्लेन खरीदना चाहती थी ठीक है इट वॉज़ येल्लो एंड शी कॉल्ड द कैनरी वह येलो रंग का था जो उसने एयरप्लेन खरीदा वह येलो रंग का था और उसने उसका नाम क्या रखा द कैनरी some years later she became the first woman to fly solo across the atlantic ocean aur kuch saalon ke baad vah first woman bani jisne akele solo ka matlab hota hai akele jisne akele hi atlantic ocean ko cross kiya it was a difficult flight the plane was disturbed by icy storms and strong wind Plane को जो है बहुत सारे icy storms बर्फ के तूफानों से और बहुत तेज हवाओं से गुजरना पड़ा All she had as food was a

उसने अपने प्लेन को एक गाय से भरे हुए फील्ड में एक खेत में लैंड किया उतारा द फार्मर देअर आस्क वहाँ पर कुछ फार्मर्स थे उन्होंने पूछा हैव यू कम फार क्या तुम दूर से आए हो ओल द वे फ्रॉम अमेरिका क्या तुम अमेरिका से आए हो शी ला वह हसी अमेलिया लाइक टू डू थिंग्स दैट नो वन डन बिफोर अमेलिया एक ऐसा काम करना चाहती थी जो पहले किसी ने कभी ना किया हो शी लव फ्लाइंग उसे फ्लाइंग का उसे उड़ने का उसे एयरप्लेन उड़ाने का बहुत शौक था वह उसे प्यार करती थी वह उसका पैशन था द नेक्स्ट चैलेंज दैट शीट टुक वॉज टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड उसके लिए नेक्स्ट चैलेंज अब वो अगला काम क्या, क्या करना चाहती थी वह पूरे वर्ल्ड को फ्लाई करना चाहती थी पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ फ्लाई करना चाहती थी देर वॉज वेरी लिटल स्पेस लेफ्ट इन द प्लेन फॉर हर स्मॉल बैग उसके जो मतलब देर वॉज ए वेरी लिटल स्पेस उसके प्लेन में बहुत कम स्पेस बचा था उसके एक छोटे से बैग के लिए एश ई हैड टू कैरी अ लोट ऑफ फ्यूल इन द रिमेनिंग स्पेस क्योंकि बाकी बचे हुए स्पेस में उसने क्या ले रखा था फ्यूल ले रखा था क्यों ले रखा था क्योंकि वह पूरे वर्ल्ड को फ्लाई करना चाहती है द फ्लाइट वॉज गोइंग वेल और उसकी फ़्लाइट जो है वह बहुत अच्छी जा रही थी शीवाज़ पोस्ट टू लैंड एट हाउलैंड आईलैंड बट शी नेवर गोदेयर उसने ये सोचा था कि वह हाउलैंड आइलैंड पर लैंड करेगी लेकिन वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हर लास्ट ट्रांसमिशन मैसेज हर हैड हर सेइंग दैट शी वाज रनिंग लोन फ्यूल एंड देयर वर क्लाउड्स एवरीवेयर और उसका जो लास्ट मैसेज था वह हमारे लिए क्या कह कर गई कि उसके पास रनिंग uh, मतलब उड़ने के लिए बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था और चारों तरफ बहुत ही क्लाउड्स uh, बहुत सारे बादल ने उसे घेर रखा था हर प्लेन डिसअपियर्ड समवेयर अबव पैसिफिक ओशन एंड शी नेवर एंड वॉज नेवर फाउंड उसके प्लेन को uh, मतलब उसका प्लेन जो है वो डिसअपियर्ड हो गया गुम हो गया कहीं पर पैसिफिक ओशन के आसपास कहीं गुम हो गया और उसके बाद वह कभी नहीं पाया गया एमिलिया वन सैड अमिल ने एक बार फिर से कहा एडवेंचर इज वर्थ वाइल्ड इन इट एडवेंचर जो है वो अपने आप में ही एक पूरा होता है एडवेंचर एक ऐसी चीज होती है जिसे करते हुए जिसे मतलब लेते हुए हमें डर फील होता है और हम अपने उस डर के ऊपर जीत पा लेते हैं तो एडवेंचर इज़ वर्थ वाइल इन इट्सल्फ एडवेंचर जो है वो अपने आप में ही पूरा होता है तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैसेज था पैसेज हम रीड कर चुके हैं चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेलिया सेव्ड मनी टू बाय अमेलिया मनी क्यों मतलब मनी क्यों इकट्ठा कर रही थी क्या खरीदना चाहती थी वो ए टॉय एक टॉय अ बर्ड ए कार या फिर एन एरोप्लेन तो वह एक एयरप्लेन खरीदना चाहती थी सेकंड है इट वाज ए डिफ़िकल्ट फ्लाइट बिकॉज वह एक डिफ़िकल्ट फ्लाइट थी क्यों शी वाज फ्लाइंग सोलो क्योंकि वो अकेले उड़ रही थी शी हैड टू फेस टॉम्स वह बहुत सारे तूफानों को फ़ेस कर रही थी शी हैड वेरी लेस फूड उसके पास कम भोजन था या फिर शी हैड ए लॉन्ग फ्लाइट वह एक लंबी फ्लाइट पर जा रही थी तो वह बहुत सारे तूफानों को फेस करती हुई जा रही थी इसलिए वो फ्लाइट डिफ़िकल्ट थी तो इट्स ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आइए थर्ड क्वेश्चन हर प्लेन वॉज फुल ऑफ फ्लोट ऑफ फ्यूल बिकॉज द जर्नी वॉज उसके प्लेन में बहुत सारा फ्यूल था बिकॉज अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि उसकी जर्नी जो है वो वर्ल्ड के चारों तरफ थी फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका थी फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप थी या फिर अक्रॉस द अटलांटिक उसे अटलांटिक क्रॉस करना था तो उसकी जो जर्नी है वो अराउंड द वर्ल्ड थी वह पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहती थी सो इट्स ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वट इज एडवेंचर एडवेंचर क्या है ट्राइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा जो हम पहली बार करते हैं ट्राइंग समथिंग दैट यू फियर जिसको करते हुए तुम्हें डर लगता है फिर भी तुम करते हो ट्राइंग न्यू थिंग एंड टास्क कोई नई चीज़ें या टास्क ट्राइंग अगेन एंड अगेन दोबारा बार बार किसी चीज़ को करते हैं ना तो एडवेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स ट्राइंग समथिंग दैट यू फियर कुछ ऐसा जिसको करते हुए हमें डर लगता है लेकिन फिर भी हम उसे करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ इज एडवेंचर वर्ड वाइल्ड इन इट्सेल्फ किस तरह से एडवेंचर अपने आप में एक पूरक है पूरा है इट गिव्स मनी क्योंकि यह हमें मनी देता है इट गिव्स फेम यह हमें प्रसिद्धि देता है इट गिव्स ए स्केयर यह हमें डर देता है मतलब डर से जीतना सिखाता है इट गिव्स एक्साइटमेंट या फिर यह हमें एक्साइटमेंट देता है तो इट गिव्स एक्साइटमेंट सो एडवेंचर इज वर्ड वाइल्ड इन इट तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पैसेज नंबर वन जिसको हमने सोल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस किया है उम्मीद है आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए मैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे